So I would like to start with Jayanti bhai. Jayanti bhai, I'd like you to come up on stage. Hamare producing partner. Zordar taaliyan, come on. Ben Studio se Jayanti bhai. And I'll just say two words on each one. Jayanti bhai ke saath bahut simple hai. I pick up the phone and I tell Jayanti bhai, Gujarati, we speak in Gujarati to each other. So I say, Jayanti bhai, ahiya thodu kam chhe promotion, tame thodu jaasti karso. He said, thik chhe, thai jase aave. You know, so our conversation is very clear. He's one of the best, if not the best, producing partners I've worked with. He's a fantastic person. And he has stuck by his word and he has delivered everything. Now from the 22nd, we are going to start. In fact, aaj se hamari marketing shuru hoti hai is film ke liye. We are marketing this film literally only for about 10 days effectively. But we know the quality of our film and we are confident about it. गड़ा साहब, दिस वन्स फॉर यू. प्लीज मुझे बताएं, जैसे जॉन साहब बात कर रहे थे आपकी, पेन स्टूडियोज की जब भी हम लोग बात करते हैं, यू नो, वेदर इट्स द डायरेक्टर्स, द प्रोड्यूसर्स, द एक्टर्स, हमेशा सबकी फर्स्ट चॉइस रहती है, व्हाट इज इट लाइक. वो करिश्मा आपका है या क्या, कैसे फर्स्ट चॉइस, कैसे ऑडियंस की भी? नहीं नहीं, ये तो जॉन जी का बड़प्पन बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये फिल्म हमारे पास आई थी, अजय लाया था जी, और इन्होंने एक सेकेंड में बोला, अच्छा पेन है तो हम जुड़ते हैं. हाँ. तो ये हमारा बड़ा, मतलब हमारे लिए खुशकिस्मती है कि इन्होंने, और इनकी वजह से फिल्म बनी है. इन्होंने सबकी तारीफ करी, बहुत अच्छी बात है, बट ये इनके बगैर फिल्म नहीं बन सकती. क्या बात है, जोरदार तालियां, कम ऑन, थैंक यू सो मच सर. अच्छा, बाय द वे, जयंती भाई को तालियां दीजिए. गंगू भाई इनकी थी. yes. उसके बाद RRR रिलीज होने वाली है और अटैक उससे बड़ी होने वाली है. He's the one who's actually got people back in the theaters. He's actually the one man army. So unka chehra actually udhar. जैसे कि जॉन ने कहा कि टीम में प्रोड्यूसर का बहुत महत्व होता है, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपकी जर्नी इस समय जब मैं देख रहा हूँ आपकी फिल्में जो आ रही हैं बहुत अलग तरीके से, अगर मैं कुछ शब्दों में इस जर्नी को आपको बोलूँ कि आप बताएं या कैसे क्या कहेंगे, तो वो कौन से शब्द होंगे? वैसे तो टेक्निकली बोलेंगे तो इन लोगों की जर्नी होती है, प्रोड्यूसर की कोई जर्नी नहीं होती है, सिर्फ खर्च करना होता है. क्योंकि इतनी मेहनत तो कोई कर नहीं सकता जितने इन लोगों ने मेहनत करी है. हर पिक्चर पे इतनी मेहनत लगती है, ये देख के ऐसा लगता है अच्छा इतनी मेहनत लोग कर सकते हैं. और जॉन जी ने जो टीम बनाई है, और मेरे को लगता है इसमें 3.5 साल हो गए होंगे, मतलब ये फिल्म के बनने में, उसी लिए इतनी अच्छी बनी है ये फिल्म. क्योंकि जब भी प्रोड्यूसर कोई भी हो, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी फिल्म बने, जल्दी से रिलीज़ हो जाए, क्योंकि VFX CGI वालों को टाइम देते नहीं हैं और रिलीज़ डेट आ जाती है. तो इस फिल्म में वो फ़ायदा हुआ है कि VFX CGI वालों को बहुत टाइम मिला, और जॉन जी ने एक्सेप्ट किया कि हर एक सीन पर उतना काम किया जाए. और मतलब टीम तो जॉन जी की बोल सकते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करी है. एक और सवाल, आपका सक्सेस हम देख रहे हैं और आपके साथ हैं, लेकिन वो जो कभी कभी वो जो दर्द और तकलीफ होती है जब आप आगे बढ़ रहे थे और आपको तब खड़े होने में बहुत मुश्किल हो रही थी, अगर वो एक घटना जो आप कभी नहीं भूलेंगे और वो कोई भी नहीं जानता कि बहुत मुश्किल हो, आज आपके पास सब फिल्में लेकर आ रहे हैं और वो समय जब नहीं ला रहे थे, आपको जाना पड़ रहा था. नहीं, लाइफ में सबके पास अप एंड डाउन आते हैं, और पैसों के साथ तो वैसे ही खेलना होता है, तो बहुत अप एंड डाउन आती है. मेरी टीम बहुत मजबूत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस फिल्म में हमारी दो टीम जुड़ी है, पेन मरुदर भी जुड़ा है और फैमुलस भी जुड़ा है, वो दोनों भी हमारी टीम है. ऐसे बहुत कम होता है कि पूरी टीम एक साथ हमारी फिल्म में जुड़े. जो आप बोल रहे हैं कि अप एंड डाउन की बात, तो मुझे आज बोलने में बहुत खुशी होगी कि मैं भी फोटोग्राफर था आपकी तरह, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. मैं शादी के फ़ोटो ही निकाला करता था, और तो बहुत टाइम लगता था वापस, मतलब 8-10 दिन के बाद वो धुल के आते थे, वो सब टाइम देखा है. फिर वीडियो लाइब्रेरी से ये जर्नी स्टार्ट करी, और जिनकी 10 रुपये में कैसेट हम लोग रेंटल देते थे, आज उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है. एंड आई हैव अनदर क्वेश्चन फॉर जयंती सर.
So, you know, you have RRR releasing on 25th and Attack on 1st April. How do you plan to divide the screens between these two films? It's all Sanjay Mal. हर फिल्म की अपनी किस्मत है, आरआरआर की अपनी किस्मत है, अटैक की अपनी किस्मत है, और ऐसे जो पेन मरुदा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, संजय जी पूरा उसका भार लेते हैं, और उन्होंने पहले ही प्लान किया कि वो फिल्म हम लोग ने 1 अप्रैल को पहले डिसाइड किया था कि ये 1 अप्रैल को आ रही है। आरआरआर की डेट ऊपर नीचे हो रही थी, बहुत बारी ऊपर नीचे हुई, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके बहुत सारे पार्टनर हैं। ये फिल्म पूरी हमारी है, तो ये लोगों को सरप्राइज़ देगी कि ऐसी इंडिया में फिल्म बनी है, मतलब ये सबको सरप्राइज़ देगी, कोई किसी ने सोचा नहीं होगा इतनी अच्छी फिल्म इंडिया में बन सकती है। बेवू फिल्म हमारी छे, एटले जेटला भी पैसा आवशे बधा अमारी पासे आवशे।